उत्खनन में उस बच्ची को जला देती है, उसके घर वालों को भी बॉडी नहीं देती है। ये केस काफी लंबा चला था दोस्तों, इसी को कवर करने के लिए चार लोग गए हुए थे। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार थी, योगी सरकार उन पत्रकारों को गिरफ्तार करती है, उनपे यूएपीए जैसे मुकदमे लगा के जेलों में डाल देती है। आप लोग भी तमाम सारे लोग पत्रकार हैं, क्या इस देश में किसी घटना की रिपोर्टिंग करना अपराध है क्या? क्या इस देश में क्या लोकतंत्र नहीं है क्या? ये तमाम सारे सवाल है, एक लंबी लिस्ट है। इस देश में उन तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भी जनता के पक्ष में खड़े हैं, वो चाहे आप सीएएनआरसी के समय के जो लोग भी मूवमेंट कर रहे थे उनको, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर जो अलग अलग जगहों पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, चाहे वो जामिया के कई पीएचडी स्कॉलर, जेएनयू के कई छात्र और देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग भी इस फांसीवादी बीजेपी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों को सरकार लगातार पकड़ के जेलों में बंद कर रही है, यूएपीए एनएसए और तमाम सारे मामले लगा रही है। लेकिन आप यही देखिए कि दूसरी तरफ जो लोग गुजरात के दंगाई है, जो गुजरात के रेपिस्ट है, जो बिल्किस बानो के साथ अत्याचार बलात्कार किए, उन रेपिस्टों को बीजेपी सरकार छोड़ती है और उनका फूल मालों से स्वागत करती है। दूसरी चीज, कठुआ में जो बलात्कार हुआ, कठुआ के बलात्कारियों को यही बीजेपी आरएसएस की सरकार सम्मानित करती है। आपको याद होगा यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के भी लोग खड़े हैं, प्रशासन के भी लोग खड़े हैं। आपको याद होगा वो एसपी, वो एसआई जो कि दंगा शांत कराने गए थे, यही आरएसएस के लोग उनका मर्डर किए, उस एसआई के मर्डरर को आरएसएस में अच्छा पद दिया जाता है, जिला का प्रमुख बनाया जाता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यह बीजेपी और जो आरएसएस की सरकार है, इनसे संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो बीजेपी आरएसएस से संबंध रखने वाले लोग, चाहे वो रेपिस्ट करके रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, मर्डरर हो, दंगाई हो, अभी कपिल मिश्रा जो दंगाई है, जो तमाम सारे ऐसी बातें किया है, ऐसे रेपिस्ट को, मर्डरर को, दंगाइयों को या सरकार संरक्षण देती है, खुली छूट देती है। और दूसरी तरफ जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो लोग डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट पे विश्वास करने वाले लोग हैं और जो लोग लगातार इस सरकार के अन्याय के भी खिलाफ, या पिछली भी सरकार हो या जो भी सरकार हो, अलग अलग सरकारों के अन्याय के खिलाफ जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उन लोगों को लगातार जेलों में डालती है। आज हम साथी अतिरिक्त रहमान की रिहाई को लेकर हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने पिछले समय देखा कि जी एन साई बाबा के केस में एक उन साथी थे, वो किस तरीके से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला और वो डेथ कर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि किस तरीके से यह सरकार अलग अलग लोगों को जेलों में डाल के टॉर्चर कर रही है, जेलों में डाल के मार रही है। तो हम अतिकुर रहमान की रिहाई के लिए, सशस्त्र रिहाई के लिए हम लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी ये पब्लिक मीटिंग चलाएंगे और हम उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक बंदी है, वो चाहे जी एन साई बाबा हो, चाहे हनी बाबू हो, चाहे साथी उमर खालिद हो, चाहे तमाम सारे लोग हैं जो भी राजनीतिक कारणों से जेलों में बंद है, अलग अलग कारणों से बंद है, हम उन तमाम साथियों की रिहाई की बात करेंगे। तो दोस्तों हम अपनी पब्लिक मीटिंग अभी शुरू करेंगे। हम अपनी पब्लिक मीटिंग में जो भी साथी है, जो भी अलग अलग संगठनों से आए हैं, सारे साथी अपनी बात को रखेंगे। तो हम सीएफआई से फौजिया को बुलाना चाहते हैं कि साथी फौजिया आए और अपनी बात करके बीमारी से जूझ रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी बीमारी अभी की है, वो बचपन से उनको ये बीमारी है। साथी थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा तेज बोलना। तो वो इस बीमारी को बचपन से जूझ रहे हैं, तो उनकी इस हालत को देखते हुए हमें जरूरत है कि हम उनके लिए एकजुट हैं, उनके लिए आवाज उठाएं, और हमें समझना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट हुए हैं। क्या वो मतलब अपने ही किसी मफाद के लिए गए थे? नहीं, वो एक ऐसी लोअर क्लास कास्ट गर्ल के लिए गए थे जो कि एक नीची जाति से ताल्लुक रखती है, और उसके साथ जो जुल्म किया गया वो अपर क्लास के लोगों ने किया, उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां गए थे। तो साथियों हमें जरूरत है कि हम
अतीकुर रहमान की रिहाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ कि उनकी कंडीशन क्या है, उन्हें वो ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो। थैंक यू।